हेलो फ्रेंड्स, आज आपके लिए दो बहुत ही इजी कपकेक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये कपकेक्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनते हैं और साथ में ये कपकेक्स बने हैं सूजी से और बहुत ही आसान सा तरीका है। बच्चों को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो आप इन कपकेक्स को कढ़ाई या ओवन दोनों में से किसी में भी बना सकते हैं। आप चाहें तो कुकर में भी बना सकते हैं। तो आपको मैं आज इस वीडियो में बताऊंगी कि बहुत ही आसानी से ये दो तरह के कपकेक्स कैसे बनाए जाते हैं। तो आई होप आपको आज की ये रेसिपीज़ काफ़ी पसंद आएगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पहले हम बनाएंगे चॉकलेट कपकेक्स। तो इसके लिए हम बैटर तैयार करेंगे पहले। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप सूजी। यहाँ पे मैंने नॉर्मल वाली सूजी ली है, आप कोई सी भी बारीक वाली या मोटी वाली सूजी ले सकते हैं। अब हम इसमें 1 कप डालेंगे दूध। दूध यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर या हल्का सा वार्म दूध आप ले सकते हैं। इसमें डाला है मैंने 1 टीस्पून विनेगर और अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ को। अगर आपके पास विनेगर ना हो तो यहाँ पे लेमन जूस भी डाल सकते हैं 1 टीस्पून। अब इसको हम रेस्ट करने के रख देंगे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट्स के बाद जो सूजी है दूध को अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेगी और सूजी अच्छे से फूल जाएगी। तो यहाँ पे सूजी अच्छे से सोक हो गई है, अच्छे से फूल गई है। तो अब हम इस बैटर को ट्रांसफ़र कर लेंगे एक ब्लेंडर जार में। इस बैटर को हमें ब्लेंड करके एकदम स्मूथ बनाना है। साथ में इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप चीनी और 1/4 कप डालेंगे रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल की जगह मेल्टेड बटर भी ले सकते हैं। 1/2 टीस्पून डालेंगे वनीला एसेंस और 4 टेबलस्पून ऐड करेंगे कोको पाउडर। और अब सारी चीज़ों को हमें अच्छे से ब्लेंड करना है। इसको ब्लेंड करके एकदम फाइन सा इसका पेस्ट बना लेना है। तो यहाँ पे ये देखिए सारी चीज़ों को मैंने ब्लेंड कर लिया है और एकदम फाइन स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो गया है। अब इस बैटर को हम ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बोल में और आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है और एकदम स्मूथ सा बैटर है। अब हम इसमें 1 टीस्पून डालेंगे बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा एंड 1/4 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। और अब सारी चीज़ों को अच्छे से इस तरह से मिक्स करना है। तो जब भी हम सूजी से केक बनाते हैं ना, इसी तरह से बनाया जाता है और लास्ट में इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा ऐड किया जाता है। और तो ये देखिए एकदम परफेक्ट सा बैटर तैयार हो गया है यहाँ पे हमारा। अब बैटर को हम ट्रांसफ़र कर देंगे कपकेक मोल्ड्स में। तो यहाँ पे मैंने पेपर कपकेक मोल्ड्स लिए हैं। तो 8 मोल्ड यहाँ पे मैंने ग्रीस करके रेडी कर लिए हैं और अब सारे मोल्ड्स में हम ये बैटर ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो इतने बैटर से हमारे 8 कपकेक्स तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिए सारे कप्स में मैंने बैटर को डाल दिया है। अब थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर देते हैं चॉकलेट चिप्स से और उसके बाद अब हम कपकेक्स को बेक करेंगे। तो बेक करने के लिए मैंने यहाँ पे अपने माइक्रोवेव ओवन को 180 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया है कन्वेक्शन मोड में। और अब केक्स को हम बेक करेंगे 15 मिनट्स के लिए। तो ये देखिए 15 मिनट्स के बाद हमारा जो कपकेक्स हैं बहुत अच्छे से बेक हो गए हैं। ये देखिए कितने बढ़िया कपकेक्स हमारे तैयार हुए हैं और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं देखने में। अब कपकेक्स को हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडे हो जाएंगे तब हम इनको सर्व करेंगे। तो ये देखिए हमारे जो कपकेक्स हैं ना, ये बिल्कुल अच्छे से ठंडे हो गए हैं। तो एक कपकेक मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ कितना बढ़िया हमारा कपकेक तैयार हुआ है और बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी टेक्सचर बना है इसका। ये देखिए सूजी से बने हुए केक्स ना बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी बनते हैं, बहुत सॉफ्ट भी बनते हैं और बहुत ज़्यादा मॉइस्ट होते हैं। तो ये देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट हमारा ये चॉकलेट कपकेक बना है। ये देखिए आप भी एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा ये केक और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है चॉकलेट केक्स। तो ये केक ट्राई करना तो एक बार बनता ही है, तो ज़रूर ट्राई कीजिए ये सॉफ्ट और फ्लफ़ी चॉकलेट कपकेक्स। आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। अब हम बनाएंगे सूजी से बने हुए ऑरेंज कपकेक्स। तो इसके लिए भी मैंने यहाँ पे 8 कपकेक मोल्ड्स ले लिए हैं और कपकेक मोल्ड्स को हम पहले ग्रीस करके रेडी कर लेंगे और इनको अब हम साइड में रख देते हैं। और अब हम लेंगे इस तरह का एक बड़ा ऑरेंज और ऑरेंज से पहले हम जेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। तो ऑरेंज का ऊपर का जो ऑरेंज छिलका होता है ना, उसको हमें ग्रेट करना है। ऑरेंज जो छिलका है उसको मैंने इस तरह से ग्रेट कर लिया है और इसका वाइट पोर्शन ग्रेट नहीं करना है क्योंकि वो थोड़ा सा कड़वा होता है। तो बस ऑरेंज पोर्शन को ही हल्का हल्का सा ग्रेट करेंगे और यहाँ 1 टीस्पून के लगभग जेस्ट तैयार कर लेंगे। और अब जो ऑरेंज है उसको हम इस तरह से कट कर लेंगे और ऑरेंज का जूस निकाल लेंगे हम। तो इस तरह से स्क्वीज़ करके बहुत आसानी से ऑरेंज का जूस निकल जाता है। तो ये देखिए इसका जूस निकाल कर हम एक कप में रखेंगे तो आप देख सकते हैं एक ऑरेंज से करीब करीब 1/4 कप जूस हमारा तैयार हो गया है। तो अब जूस को हम एक बार छान लेंगे ताकि इसमें जो सीड्स और रेशे वगैरह हैं वो अलग हो जाएँ। तो यहाँ पर जूस को मैंने छान लिया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे बाकी की चीज़ें। तो यहाँ पर ऐड कर देंगे हम 1 कप सूजी, 1/2 कप चीनी और साथ में 1/4 कप रिफाइंड ऑयल ऐड कर दिया है।
कपकेक को और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 4 टेबल स्पून मिल्क पाउडर भी ऐड कर दिया है और आधा कप इसमें ऐड कर दिया है पानी। और अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। इस केक में हम विनेगर वगैरह ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ऑरेंज थोड़ा सा खट्टा होता है तो वो इजीली बेकिंग सोडा को एक्टिवेट कर सकता है। तो ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है और यहाँ पे इस तरह का हमारा बैटर तैयार हो गया है, ये देखिए। तो अब हम इस बैटर को रख देंगे 10 मिनट के लिए ताकि सूजी अच्छे से सोख हो जाए, और सूजी अच्छे से सोख हो जाएगी उसके बाद हम इसको ब्लेंड करेंगे। तो यहाँ पे 10 मिनट के बाद सूजी अच्छे से सोख हो गई है तो अब इस बैटर को हम ट्रांसफ़र कर लेंगे ग्राइंडर जार में और इसको हम ग्राइंड करके एकदम स्मूथ सा इसका बैटर बना लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम स्मूथ और बढ़िया सा बैटर एकदम तैयार हो गया, ये देखिए। अब इसे हम ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बोल में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम स्मूथ और फाइन बैटर हमारा तैयार हो गया। इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, और साथ में कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून पानी और अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के लिए एक ही डायरेक्शन में हमें धीरे धीरे मिक्स करना है। और ये देखिए हमारा बहुत ही बढ़िया सा बैटर तैयार हो गया है कपकेक के लिए। तो यहाँ पे इस बैटर में अभी तक मैंने कोई भी एसेंस या फ्लेवर नहीं ऐड किया है। इसमें लास्ट में हमें ऐड करना है 1 टीस्पून ऑरेंज जेस्ट जो हमने तैयार करके रखा था। ये इस केक में बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर देगा ऑरेंज का और साथ में बहुत ही बढ़िया सा लाइट ऑरेंज कलर भी देगा जो बहुत ही बढ़िया लगता है देखने में। अब अच्छे से मिक्स करके इस बैटर को हम ट्रांसफ़र कर लेंगे कपकेक मोल्ड्स में जो हमने पहले से ग्रीस करके रखा था। तो सारे कपकेक मोल्ड्स में मैंने बैटर को ट्रांसफ़र कर लिया है और अब हम बैटर को बेक करेंगे। तो यहाँ पे कुछ केक्स मैं कढ़ाई में बेक करूँगी और कुछ को मैं ओवन में बेक करके आपको दिखाऊँगी। तो यहाँ पे 4 कपकेक्स को मैं रख दे रही हूँ कढ़ाई में। कढ़ाई को मैंने 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर प्रीहीट कर लिया था। अब कपकेक्स को हम 15 से 20 मिनट के लिए बेक करेंगे कढ़ाई में लो मीडियम फ्लेम पर, और बाकी के जो 4 कपकेक्स हैं ना उनको मैं ओवन में रख दूँगी। तो ओवन को भी मैं 10 मिनट के लिए 180 डिग्री सेल्सियस पर कन्वेक्शन मोड में प्रीहीट कर लिया है और इन कपकेक्स को हम बेक करेंगे 15 मिनट्स के लिए। तो ये देखिए मैंने कपकेक्स को रख दिया है ओवन के अंदर और अब इसको 15 मिनट्स के लिए हम बेक कर लेंगे। 15 मिनट्स में हमारे कपकेक्स बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। 15 मिनट्स में ये देखिए हमारे जो कपकेक्स हैं बिल्कुल अच्छे से बेक हो गए हैं। अब हम इनको ओवन से निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रखेंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं कितने बढ़िया कपकेक्स बने हैं और नाइफ़ भी बिल्कुल क्लीन है, मतलब बहुत ही बढ़िया से 15 मिनट्स में हमारे कपकेक्स बेक हो गए। और ये देखिए 20 मिनट्स में जो हमारी कढ़ाई में कपकेक्स हमने बनाने के लिए रखे थे ना वो भी अच्छे से बेक होकर तैयार हो गए हैं और बहुत अच्छे से बेक हुए हैं। ये देखिए, ये देखिए सूजी से बने हुए ऑरेंज कपकेक्स हमारे बिल्कुल तैयार हैं। इनको ठंडा कर लेंगे और ठंडा होने के बाद इनको सर्व करेंगे। तो ये देखिए हमारे ऑरेंज कपकेक्स बिल्कुल ठंडे होकर रेडी हो गए हैं सर्व करने के लिए। तो आइए एक ऑरेंज कपकेक को आपको निकाल कर दिखा देती हूँ मैं। ये देखिए कितना सुपर सॉफ्ट और फ्लफ़ी हमारा ये ऑरेंज कपकेक बना है और बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट और सॉफ्ट बना है ये देखिए, और एकदम रुई की तरह सॉफ्ट है ना दोस्तों। बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी। तो आप ये ऑरेंज कपकेक ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार, ये आपको बहुत पसंद आएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सुपर सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनता है और इसका जो नेचुरल ऑरेंज का फ्लेवर होता है ना इस केक में बहुत ही अच्छा आता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो आई होप आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो रेसिपीज़ को ट्राई कीजिए और अपने फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू दोस्तों एंड बाय बाय।